संदीपनी गौरव अवार्ड समारोह में आप सभी का स्वागत है। सभी महानुभावों से सादर विनती, आप सभी मंच पर विराजमान हो। आज हम जिनके ललाट पर देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि एवं महर्षि पद से चंदन अक्षत लगाने वाले हैं, ऐसे चारों महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम एक बार तालियों के नाद से उनका अभिवादन करेंगे। और आज सांदीपनी गौरव अवार्ड समारोह के इस वेला में हमारे बीच में पूरा भारत जिन पर गौरव करता है, ऐसे आदरणीय श्री मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी भी उपस्थित है। हम बहुत तालियों के साथ सांदीपनी परिसर में, सांदीपनी विद्यानिकेतन में उनका हम स्वागत करते हैं। संपूर्ण सांदीपनी गौरव अवार्ड समारोह के इस उपक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय श्री मनिंदर जीत सिंह जी बिट्टा जी, उनसे निवेदन है वे भी दीप प्रज्वलन हेतु पधारे। पूज्यिया इंदिरा बहन, सभी से निवेदन है यहां मंच पर दीप प्रज्वलन हेतु पधारे। ऋषि कुमारों से निवेदन है वे मंगलमय मंत्रोच्चार करेंगे। सभी महानुभाव यहां पर मंच पर विराजमान हैं और अब हमारी सांदीपनी की मनोरम्य परंपरा के अनुसार श्री सांदीपनी विद्यानिकेतन के ऋषि कुमारों से मैं विनती करता हूं कि आज के इस गौरव अवार्ड समारोह का आरंभ मंगलमयी वेद मंत्र गान के साथ करेंगे, मंगलमयी श्रुति मंत्र ध्वनि के द्वारा करेंगे। ऋषि कुमारों से निवेदन है सभी महानुभावों का स्वागत करेंगे। आज के हमारे सांदीपनी गौरव अवार्ड समारोह के विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय मनिंदर जीत सिंह जी बिट्टा जी। हम तालियों के नाद से उनका स्वागत करते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि अब वे इस पावन उपक्रम में अपने शब्दों के द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करेंगे। जो भी बोलूंगा महाराज जी के सामने, हमारे महापुरुषों के सामने, जो अपने जिंदगी का अनुभव है वो सच बोलूंगा। मुझे लगता है कि आज 27 साल के बाद, 27 साल बहुत होते हैं, जब मैं इंदौर की धरती पे, जब हम बड़े पावर में थे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, मिनिस्टर भी थे, तो मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो रमेश भाई ओझा जी महाराज, आज भी वो रूप 93 में मेरे सामने है, एयरपोर्ट के किनारे पे बैठे हुए थे। हमें उस वक्त धर्म का इतना ज्ञान नहीं था, पर ये जरूर देखा कि ये कोई महापुरुष है, महान संत है, और निकल गया। जिंदगी के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के बीच में हम गए होंगे, पर 27 साल पहले का वो रूप संतों का हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा। कई वर्ष बाद महाकाल के मंदिर उज्जैन में सुबह पहली आरती पे अपने परिवार के साथ मत्था टेकने के लिए गया। बाहर आया, मैंने किसी को बोला भगवान की भजनों की को मुझे सीढ़ी ला दो, मुझे लाके दे दी। सुनना शुरू किया, आज भी सुनता हूं, घर में बेडरूम पे भी चलता है सुबह, मंदिर में भी चलता है, गाड़ी में भी चलता है, चलता रहा। पर उसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई, है वो संस्कृति में, पर जब भी ओझा जी महाराज की वो मैं सीढ़ी सुनता हूं, हमेशा समझ नहीं आती पर लग जाता है कि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, ओझा जी महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है।
कई बार कोशिश की, कई दोस्तों को बोला, जहां भी कोई सत्संग हो महाराज जी का, जहां उनके प्रवचन हो, मुझे पहले बता देना, मैं हाजिरी जरूर भरना चाहूंगा, एक साइड में किनारे में बैठ के उनके प्रवचनों को जरूर सुनना चाहूंगा, पर मौका नहीं मिला। कभी मैं दूर होता था, कभी कोई बताता नहीं था। अक्षरधाम के संत, वहां भी एक बड़ा समागम था, वहां जी भी महाराज जी के दर्शन हुए, वहां जी भी महाराज जी को कहा, उन्होंने आगे कहा, पर मैं उनके चरणों में जिस तरीके से जाना चाहता था मैं नहीं जा पाया। बॉम्बे हवाई अड्डे पे दर्शन हुए, वहां भी मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया। जब कुछ समय पहले ये गुजरात की संस्कृति की धरती पे शिवानी ग्रुप, राजू जी मेरे साथ हैं, एक बहुत बड़ा शादियों का, गरीब बच्चों की शादियों का कार्यक्रम बना, तो फिर महापुरुषों के दर्शन हुए, मैं उनके साथ बैठा। बैठने के उनके साथ हैसियत नहीं रखता हूं, कहां महापुरुष, कहां संस्कृति के रक्षक, कहां जिनके प्रवचनों से, जिसकी उस संस्कृति की छीड़ी से लोहा भी पिघल जाता है, कहां मैं पास बैठा। मुझे नहीं उम्मीद थी कि कब मेरे फिर दर्शन होंगे। महाराज ने कह तो दिया बुला लेना, तो मैं क्या कभी मौका मिला तो मैं भी आश्रम जाके एक दो दिन रह के दर्शन करूंगा, पर मुझे पता नहीं था। आज का मेरे लिए वो दिन हमेशा एक यादगार रहेगा कि महाराज जी ने मुझे दिल के साथ अपने चरणों में लगाया। ये जिंदगी का कड़वा सच, आएंगे हम चले जाएंगे, बहुत लोग जिंदगी में मिलेंगे। अभी कुंभ का मेला था, महाराज जी वहां पे थे, अपने प्रवचन भी किए होंगे, पर कहीं महाराज जी को किसी टेलीविजन के अंदर आपने देखा नहीं होगा। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपना जो इतिहास है, उसको बिल्कुल एक अलग रखा है, और वो अलग ही रहेगा जो मैं देखता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति के रक्षक, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को संस्कृति बताते हैं। सुबह सुबह जब पीछे सोमनाथ जी मंदिर में दर्शन करने गया, पहली आरती वही भजन महाराज जी का, संस्कृति का वही, जैसे सुबह सुबह पहली आरती पे चला वहीं खड़ा हो गया। तो महाराज जी को मैं दर्शन कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर जब जब रात दिन वो मेरे सीढ़ी चलती है, लंबा सफर करता हूं, तो महाराज जी का आशीर्वाद मेरे साथ होता है। महाराज जी को इसका पता नहीं। आस्था, आस्था सबसे पवित्र, सबसे सही होती है। आस्था नहीं है जितना मर्जी जय सिया राम बोलो, जितना मर्जी हरे कृष्णा हरे रामा बोलो, रोज बातें होती हैं। राम जन्मभूमि बननी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। अगर किसी पीर पैगंबर की वहां कोई जगह होती, अजमेर शरीफ की होती, तो मैं भी खड़ा होता, ऐसा नहीं। अगर वहां जालिमों की धरती, जिन्होंने जुल्म किए, औरंगजेब ने जुल्म किए, बाबर ने जुल्म किए, गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, जिन्होंने मजलूमों की रक्षा की, तो हमारे राम जी का मंदिर क्यों नहीं, इतनी देरी क्यों? टेलीविजन के अंदर नहीं, दिखावा नहीं। जिस तरीके से हमने राम सेतु के लिए अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को उनके चरणों के लिए देने का वादा किया, हमें वादा करना पड़ेगा। राम जन्मभूमि बनानी पड़ेगी, हमारी करोड़ों लोगों की, दुनिया की आस्था का प्रतीक है, यह है आस्था। वैसे जितना मर्जी बोलो, यह है आस्था, यह है हमारे आने वाले वक्त के अंदर हमारी संस्कृति का इतिहास। व्यापार दिमाग से, प्यार दिल से, आस्था दिल से, सेवा करनी है दिल से। यह शिवानी ग्रुप बैठा है, राजू जी, ऊजा जी महाराज गए, हजारों बच्चियों की शादी दिल से, शहीद परिवारों को देखना तो दिल से, उनके बच्चों की शादी करानी तो दिल से। ये बाहर नहीं है, ये यही धरती है, क्योंकि महाराज जी जैसे महान पुरुष, संत महात्मा,
एक सेकंड भी मौका लगा तो भगवान के प्रति, चाहे एयरपोर्ट पे बैठे मैंने देखा अपनी मगन, भगवान के प्रति आस्था मगन, हे भगवान इस राष्ट्र को मजबूत करने की कृपा करना, हमारे बहनों की रक्षा करना, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना, इनका और क्या है आपके लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।